लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज हरियाणा में चौंकाने वाला काम कर दिया। राहुल शुक्रवार सुबह सुबह अचानक करनाल के घोघड़ीपुर गांव आ पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिका में रह रहे एक युवक के परिवार से मुलाकात की और अपना किया हुआ वादा पूरा किया। दरअसल राहुल जब अमेरिका दौरे पर थे तो वहां घोघड़ीपुर के अमित नाम के युवक से मुलाकात की थी। अमित एक हादसे में घायल हो गया था। राहुल ने अमित से मिलकर उसका हालचाल जाना था, तब उससे वादा किया था कि वह भारत लौटने के बाद हरियाणा जाकर उसके परिवार से मिलेंगे, उसे वहां से उससे वीडियो कॉल करेंगे। फिलहाल राहुल गांधी ने अमेरिका में अमित से किया अपना वादा याद रखा और उसे निभाने के लिए करनाल के घोघड़ीपुर गांव पहुंचकर उसके परिवार से मुलाकात की। परिवार वालों से बातचीत करके उनका हालचाल जाना तो वहीं राहुल ने परिवार से और बातें भी की। इस दौरान राहुल ने अमित के घर से परिवार के साथ उसे वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल कर अमित से बातचीत भी की। इसके बाद राहुल वहां से रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक घोघड़ीपुर गांव में रुके और अमित के परिवार से बातचीत करते रहे। राहुल ने परिवार को अमित से मुलाकात को लेकर सारी जानकारी दी। अमित से उनकी बातचीत हुई थी, परिवार से उसकी चर्चा की गई। इसके अलावा परिवार से भी राहुल ने अमित के बारे में जानकारी ली। इस दौरान अमित के परिवार के सदस्यों और गाँव के लोगों ने राहुल गांधी के साथ तस्वीरें भी ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने अमेरिका में हादसे का शिकार हुए अमित के परिवार से मिलने के लिए घोघड़ीपुर गांव का सरप्राइज दौरा किया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं और पुलिस प्रशासन को भी इस दौरे की जानकारी नहीं थी। उनका यह दौरा है। राहुल गांधी अचानक से सुबह 5:30 बजे यहां पहुंच गए। मसलन हरियाणा में राहुल गांधी का यह राजनीतिक दौरा नहीं था, मगर फिर भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के सियासी माहौल के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने इसी महीने अमेरिका का दौरा किया था। राहुल ने आज से 9 और 10 सितंबर को अमेरिका में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुलाकात की। इस दौरे पर अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने कई बयान दिए। अमेरिका में दिए गए उनके बयानों से भारत में सियासी बवाल पैदा हो गया। बीजेपी राहुल के अमेरिका दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर काफी हमलावर है। 16 सितंबर को राहुल अमेरिका से भारत पहुंचे थे। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।